अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज रोटी और चावल से हटकर कुछ नया बनाते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ़ टोटिया रैप की रेसिपी। तो सबसे पहले एक चिकन ब्रेस्ट को छोटे क्यूब्स में काट लें और इसमें एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर या पेस्ट शामिल करें, साथ में 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल करें। उसके बाद 1 टेबलस्पून टैरागोन लीव्स, 1 टेबलस्पून टबैस्को सॉस, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून सोया सॉस और आखिर में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसे 1 to 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख दें। फिर एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से कुक करें। इसे ना ओवर कुक करना है और ना इतना कुक करना है कि ये ड्राई हो जाए। अब 1/2 कप दही का छलनी की मदद से हंकर तैयार कर लें। पानी में एक सिरका में प्याज के रिंग काट कर डाल दें, टमाटर के रिंग्स काट लें और आइसबर्ग का जूलियन कट कर लें। सॉस तैयार करने के लिए 1/2 कप हंकर और इसमें 3 से 4 चम्मच मायोनीज के शामिल करें। साथ में 3 चम्मच केचप के शामिल करें। वन टेबल स्पून टबैस्को सॉस, 1 टेबल स्पून चिपोटले सॉस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का शामिल करें। आखिर में 1/2 टीस्पून चिली सॉस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। चिकन की मैरिनेशन स्पाइसी होगी इसलिए सॉस थोड़ी माइल्ड रहेगी। अब एक टोटिया रखें और इसके एक साइड पर कट लगा लें। सबसे पहले तैयार की गई सॉस स्प्रेड करें। अब एक साइड पर चिकन डालें। और साथ में अनियन रिंग्स रखें। इसे कवर करके दूसरी साइड पर बाकी का सलाद डालें। अब आखिर में चीज स्लाइस रख के इसे रैप कर लें। प्री हीटेड ग्रिल पैन पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रिल करें और इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लें। और इसको हल्की आंच पे करना है ताकि चीज जो है वो अच्छे से अंदर मेल्ट हो जाए। मजेदार से स्टफ टोटिया रैप तैयार है। इसे बनाएं और अपनी इफ्तारी को थोड़ा खास बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।